एक क्वेश्चन है पेडागॉजी ऑफ हिंदी बीएड का फर्स्ट ईयर। प्रत्येक इकाई में से टोटल मार्क्स है 80 और 5 इकाई हैं, इसमें 16-16 मार्क्स के हैं। इसमें से प्रत्येक इकाई में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न हल कीजिए और प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फर्स्ट, उच्चारण दोष के कारण और निराकरण के उपाय, दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का महत्व, नाटक की शिक्षा प्रणाली, हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य। इकाई 1 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि के गुण दोष बताते हुए विस्तार से वर्णन करें। थर्ड, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण का अर्थ बताते हुए बालकों में उसके विकास के लिए कौन सी तकनीक अपनाएंगे। इकाई 2 में है, इकाई योजना से आपका क्या अभिप्राय है। इकाई योजना एवं दैनिक पाठ योजना में अंतर बताते हुए कोई एक दैनिक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं। और इकाई 2 है, इकाई योजना से आपका क्या अभिप्राय है। इकाई योजना एवं दैनिक पाठ योजना में अंतर बताते हुए कोई एक दैनिक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या समझते हैं और व्याख्या कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इकाई 3 है, औपचारिक अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण में अंतर करते हुए व्याकरण की शिक्षा विधियों का वर्णन कीजिए। व्याकरण की कौन सी शिक्षण प्रणाली को आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और क्यों। क्वेश्चन नंबर 7, अनुवाद से आपका क्या अभिप्राय है। भाषा अध्ययन के रूप में आपकी कक्षा में अनुवाद की शिक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यूनिट 4 है, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। एक आदर्श पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप मूल्यांकन के किन साधनों का प्रयोग करेंगे, वर्णन कीजिए। यह है हिंदी पेडागॉजी बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन।